मिनट अल्लाह से आपने चैटिंग की है, आपका सबसे बड़ा हीरो इस रूहे जमीन पे इस वक्त में कोई जी रहा है तो वो आपका बाप है। राइट, उसको छोड़कर नाचने वालों को आप रोल मॉडल बनाओ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले, उस वीडियो का टॉपिक है गाइस बाप का जनाजा। और ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, जो काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, और ये स्पीकर मनोवर जामा का वीडियो है, जो काफ़ी लोगों को मोटिवेशनल देते हैं, लोगों को स्पीच देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। आज हम इनसे सुनने वाले हैं बाप का जनाजा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो में क्या बताते हैं। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। हाँ, और आप वीडियो को देख लेते हैं, देख के चले जाते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। बहुत सारे नए नए व्यूवर सब हैं जो आते हैं, वीडियो को देख के चले जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशनल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज कई नौजवान बच्चे सूरह फातिहा से महरूम हैं, पढ़ने नहीं आता है सूरह फातिहा, नमाज का तरीका नहीं। बाप का जनाजा है, जनाजे की नमाज की दुआ नहीं आती है नौजवान को। सौ सौ गाने सुना देते हैं, डांस कर देते हैं एनुअल डेज में, स्कूल डेज में, लेकिन नमाज का तरीका नहीं। गूगल आपको रास्ते एक शहर से दूसरे शहर जरूर ले जाएंगे, लेकिन कुरान को पकड़ ले वो जन्नत ले जाएंगे इंशाल्लाह। ना इशा पढ़ी ना फज्र पढ़ी, लेकिन इशा से फज्र तक ना जाने कितने नौजवान बच्चे बच्चियां इश्कबाजी के नाम पर चैटिंग किए हैं। क्या कभी 5 मिनट अल्लाह से आपने चैटिंग की है? आपका सबसे बड़ा हीरो इस रूहे जमीन पे इस वक्त में कोई जी रहा है तो वो आपका बाप है। राइट, उसको छोड़कर नाचने वालों को आप रोल मॉडल बनाए हो, गाने वालों को रोल मॉडल बनाए हो, जिना करने वाले को आप रोल मॉडल बनाए हो। आप बेकार लोगों से बहुत चैटिंग कर चुके हैं अपनी लाइफ में। अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह को सुनाओ, अपने ड्रीम्स अल्लाह को सुनाओ, अल्लाह को कंडीशंस दो। या अल्लाह, जिंदगी तूने दी, कामयाबी तूने देना है। या अल्लाह, स्कूल तूने भेजा है, अक्ल भी तूने देना, इल्म भी तूने देना। स्टूडेंट लोग 20-20, 25-25 लाख अकले हलाल की कमाने वाले काबिल बनना चाहिए नौजवानों को। ये लो अम्मी 10 लाख रुपए, यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं की मदद कीजिए, ज़ईफ़ों की मदद कीजिए, लाचारों की मदद कीजिए। कितने नौजवान आज बिगड़े हुए वालिदैन को रुला रहे हैं। बिना वालिदैन की दुआओं के आप कहीं नहीं जा सकते। नेवर। आप गाड़ी में बैठकर एक शहर से शहर जा सकते हो, तरक्की की तलाश में भटकते रहोगे, भिखारी बन जाओगे, कभी तरक्की मैसर नहीं होगी आपको। आप सबसे पहले जाकर वालिदैन से तौबा कर लें, माफ़ी तलब कर लें, उनकी दुआएं ले लें, इंशाअल्लाह एक नई ज़िंदगी का आगाज़ आपने करना है यहाँ से। एक नई ज़िंदगी का आगाज़, अपने वालिद के पैर दबाएं, अपने वालिद के जूते साफ करें, अपने वालिद के कपड़े धोएं। ही इज़ द रियल हीरो, आपका सबसे बड़ा हीरो इस रूहे ज़मीन पे इस वक्त में कोई जी रहा है तो वो आपका बाप है। राइट, उसको छोड़कर आप नाचने वालों को आप रोल मॉडल बनाओ, गाने वालों को रोल मॉडल बनाओ, जिना करने वाले को आप रोल मॉडल बनाए हो। आपका रोल मॉडल आपके घर के चार दीवारियों में है, बेसर। उसे छोड़कर आप कहीं और तलाशने निकले हो और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, अपने करियर को बर्बाद कर दिया आपने। वालिदैन कुछ दिन रहेंगे, इंतकाल फरमाएंगे, आपका सगा भाई आपको सलाम नहीं करेगा, आपके रिश्तेदार आपको नहीं पूछेंगे। जब तक हड्डियों में दम है, वालिद तड़प तड़प कर मेहनत करके आपको खिलाएगा। वंस ही लीव्स द वर्ल्ड, देन नोबडी इज देयर फॉर यू टू केयर, आपका केयर करने वाला कोई इस रूह जमीन पे नहीं मिलेगा। जब तक जिंदा है उनकी कदर करें, उनकी दुआएं लें, अपने आप को काबिल बनाएं, स्किल्स डेवलप करें, गुनाहों से बचें, इंशाअल्लाह आप लोग खूब तरक्की करेंगे। आपने कुरान सीखना शुरू करें, देखें कुछ बच्चियाँ माशाल्लाह फुल डे की, और फुल डे के बच्चे कितने अच्छे अंदाज में कुरान, अल्लाह ये तमाम बच्चियों को ऐसी कुरान पढ़ने वाला बनाता है। आपने शादी करना है कल, आपके बच्चे होंगे कल, उन्हें कौन कुरान सिखाएंगे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज कई नौजवान बच्चे सूरह फातिहा से महरूम हैं, पढ़ने नहीं आता है सूरह फातिहा, नमाज का तरीका नहीं। बाप का जनाजा है, जनाजे की नमाज की दुआ नहीं आती है नौजवान को। सौ सौ गाने सुना देते हैं, डांस कर देते हैं एनुअल डेज में, स्कूल डेज में, लेकिन नमाज का तरीका नहीं।
जनाजे की नमाज नहीं, बाप की नमाज, जनाजा पढ़ना नहीं आ रहा है। क्यों? पेरेंटिंग भूल गए, पेरेंट्स इतने मशगूल हो गए, माँ भी टीवी में, बाप भी टीवी में, सब लोग फोन्स में लगे हैं। गूगल आपको रास्ते एक शहर से दूसरे शहर ज़रूर ले जाएंगे, लेकिन कुरान को पकड़ ले तो जन्नत ले जाएंगे इंशाल्लाह। और आज गूगल के दीवानों, यूट्यूब के दीवानों, इंस्टाग्राम के दीवानों, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पल का आपको ज़रूर मज़ा मिलेगा, लेकिन आखिरत में उसकी सजा ही सज़ा मिलने वाली है। आपको देखकर आपके रिश्तेदारों का ईमान ताज़ा हो जाना। इंग्लिश हाउस एकेडमी के बंदे जब रोड पर चलते हैं तो अल्लाह को खुशी होना कि ये बंदे जा रहे हैं, देखिए ये तरबियत लेकर जा रहे हैं, ये एक महीने की ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, और आने वाले महीने में रमज़ान है, ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान गुजारें। दुआ करें आप लोग इंशाअल्लाह अपने ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान गुजारें, और रमज़ान जिसको मिलता है और उसकी मग़फ़िरत अगर नहीं होती है तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ दी, देखे कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान पाले हुए और उसकी मग़फ़िरत ना हो। रब पर क़ुरबान, सब कितने भी गुनाह कर लें फिर भी अल्लाह सुबहान व तआला तैयार है माफ़ करने के लिए कि बंदा तू हाथ तो उठा, माफ़ी तो मांग, दिल से एक दफ़ा अल्लाह से इंटरेक्ट करें। आप दुआ ना मांगें, आप सिर्फ बैठ जाएं कमरे में लाइट बंद करके और बात करना शुरू करें अल्लाह से, इशा से लेके फज्र तक, ना इशा पढ़ी ना फज्र पढ़ी, लेकिन इशा से फज्र तक ना जाने कितने नौजवान बच्चे बच्चियां इश्कबाजी के नाम पर चैटिंग किए हैं। क्या कभी 5 मिनट अल्लाह से आपने चैटिंग की है? कभी बैठकर अल्लाह से आपने आवाज़ लगाई है? कभी इंटरेक्ट करके देखो, आप बेकार लोगों से बहुत चैटिंग कर चुके हैं अपनी लाइफ में। अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह को सुनाओ, अपने ड्रीम्स अल्लाह को सुनाओ, अल्लाह को कंडीशंस दो, या अल्लाह ज़िंदगी तूने दी, कामयाबी तूने देना है, या अल्लाह स्कूल तूने भेजा है, अक्ल भी तूने देना, इल्म भी तूने देना, वरना कई लोग स्कूल जाकर भी बिगड़े हुए हैं, स्कूल में भी इल्म नहीं मिला। अल्लाह से मांगने वाले बने। अगर आपसे गुनाह नहीं होते हैं तो समझना कि आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ चल रही है और अल्लाह आपसे राज़ी है। हर नौजवान बच्चे में जोश होता है, गर्म खून होता है, सब लोग कुछ ना कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन कोई नौजवान अपने नफ्स को कुचलता है और गुनाह से बचता है, साफ इसका मतलब है कि अल्लाह उससे राज़ी है, अल्लाह की मदद उसके साथ है। अपने वालिदैन की दुआएं उसके साथ चल रही है, असातिज़ा की दुआएं उसके साथ चल रही है। आज टीचर से नफरत करते हैं बच्चे, टीचर से दूर हो जा रहे हैं नौजवान बच्चों। टीचर से अगर दूर हो जाओगे, अहमक हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, निकम्मे हो जाओगे, भिखारी बन जाओगे, कोई पूछने वाले नहीं रहेंगे। टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, स्किल्स के पीछे जाएं। मैं आपको बस कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, किसी को रुलाना मेरा मकसद नहीं होता है। अल्लाह सुबहान व तआला तमाम गुनाहों से आपकी हिफाजत फरमाए, और मैं फिर आपसे माजिरत, क्योंकि आसान नहीं होता है एक महीना स्टेज पर खड़े होकर बोलना, बात करना। मैंने भरपूर कोशिश की, मुझसे कुछ गलती हुई या कोई चीज़ पढ़ाने में रह गई, रोज़े क़यामत में ना पकड़ें आप मुझे। कोई इंटेंशनली मैं नहीं करता हूँ ये चीज़, दिल से मैंने पढ़ाया, आज भी सारा हाल चला गया। आपका टीचर अकेला मुनव्वर जमा स्टेज पर था सर्टिफिकेट्स देते हुए, दो बंदे थे, मैंने दोनों को भी दिया है। आप देखें कोई इदारे में प्रिंसिपल हैं या हेड टीचर हैं, वो सारे बंदों को सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, मैंने सारे बंदों को मेरे हाथ से सर्टिफिकेट दिया है। हर मुमकिन कोशिश मैंने की आपकी तरबियत, जितनी कोशिश हो सकती है मैंने उतनी की है, और यहाँ से आप लोग वादा करें, आप लोग प्लेज लें कि आप अपनी पूरी जवानी इंशाअल्लाह इबादत और स्किल्स डेवलप करने में लगा देंगे, और 2035 में इंशाअल्लाह आप लोग तारों की तरह चमकेंगे। दो दो लाख, पाँच पाँच लाख, दस दस लाख ले आकर आपकी अम्मी के हाथ में सैलरी रखेंगे, ये लो अम्मी 10 लाख रुपये, यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं की मदद कीजिए, ज़ईफ़ों की मदद कीजिए, लाचारों की मदद कीजिए। 20-20, 25-25 लाख अकले हलाल की कमाने वाले काबिल बनना चाहिए नौजवानों को। ये 2-2, 4-4 हज़ार बस कमा कर ज़िंदगी में आप ऐसे ही गुनाह करते हुए आप बसर कर रहे हो, ये ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। गुनाहों से बचकर लाखों कमा कर मदद करने वाले नौजवान बने इंशाअल्लाह। और आप तमाम अपने वालिदैन को मेरी तरफ से सलाम ज़रूर पहुँचाएँ, अपने रिश्तेदार, अपने वालिदैन और जानने वाले जितने हैं सबको मेरी तरफ से सलाम, और इंग्लिश हाउस के ट्रेनर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शायद ही कोई इदारा होगा
उसमें इतने अच्छे ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो दो दो तीन तीन बजे तक काम करते हैं। आप लोग भी तो स्कूल चलाते होंगे, क्या आप लोग के टीचर्स दो दो तीन तीन बजे तक कभी किसी को काम करते हुए देखा आप लोगों ने? यहाँ के माशाल्लाह ये लोग तीन बजे साढ़े तीन तक जागे हुए थे, फिर सुबह में फिर जागे आपको जगाने के लिए। ये लोग भी अपना 100% दे रहे हैं, अल्लाह इसका पूरा अजर यहाँ भी दें और आखिरत में भी दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम। तो ये था इनका गाइस जो मनोहर जामी का मतलब मोटिवेशनल वीडियो था, और ये बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं मोटिवेशनल के लिए। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी इन्होंने सुधारा है, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी संवारा है। बहुत अच्छा लगता है इनका मतलब मोटिवेशनल जो भी स्पीच देते हैं। इनका काफ़ी वीडियो मैंने देखा है और मतलब ये वीडियो कुछ हटके लगा, अलग लगा। बाप का जनाजा मतलब लोग मतलब वो समझा रहे हैं किसी को कि मतलब तुम्हारे रहते हुए बहुत कुछ कर लो। लोग ऐसे अक्सर दुनिया में गफलत की ज़िंदगी में पड़े हुए हैं। लोग सही बात बोलते हैं, इस सब फजर की नमाज ख़त्म, ईसा की नमाज ख़त्म, और दिन भर मतलब रात भर लगे हुए हैं चैटिंग में, गलत कामों में। ये हकीकत है, मतलब इस दौर का रूल्स बन गया है सारे लोगों का। ये चीज़ हमेशा हकीकत में होती है, लोग सोशल मीडिया पे लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, स्क्रॉल करते करते रात पार हो जाती है। इनका स्पीच बहुत अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा लगता है इनका स्पीच जो सुनने में, और मोटिवेशन मिलता है। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए जब इनका वीडियो मैंने देखा, और मतलब सारे लोग रोते हुए देखा। मतलब हकीकत में वो दिल से रो रहे थे, लग रहा था कि मतलब हाँ वो अपने गुनाहों को, गलतियों को माफ़ी मांग रहे, गलती किए हैं माफ़ी मांग रहे हैं, आगे उनकी ज़िंदगी सही हो। चलिए, अच्छा लगा ये वीडियो, तो फिर मिलते हैं एक और रिएक्शन वीडियो लेके। तब तक के लिए गाइस, कर रही अमान अल्लाह, जजाकल्ला खैर।